हेलो एवरीवन, आज हम DO LLB की एंट्रेंस की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फैमिली लॉ। यानी कि फैमिली लॉ में हम हिंदू लॉ डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम मुस्लिम लॉ डिस्कस करते हैं। तो पहले हम हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस करेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाकी के सक्सेशन और जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप DO LLB की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें 2 प्लान्स हैं, इससे आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी और इसके साथ ही इसकी बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस की कि हिंदू लॉ जो है हमारा वो किसके बाद में आया है। वो आपका इंडिपेंडेंस के बाद में आया है और हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये स्पेसिफिकली 1955 में आया है और इसके बाद यहाँ पे मैरिज एक्ट 1955 में आया है। लेकिन उससे पहले जो हमारे कस्टम्स थे यहाँ पे, उन कस्टम्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या हो रहे थे, हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे थे जो इनडायरेक्टली, जो कोडिफाइड नहीं थे, हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे थे। और इसके साथ यहाँ पे अब हम इसके सोर्सेस को समझेंगे। सबसे पहले जो वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, उनमें हमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट के एलिमेंट्स हमने वहां से उठाए हैं। इसके बाद स्मृति है, हमें इनके डेप्थ में नहीं जाना, समटाइम्स पूछ लेते हैं 4 वेद कौन से हैं, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। ये चारों वेद के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद धर्म शास्त्र, श्रुति और कस्टम एंड यूजेस। तो यहाँ पे ये जो है ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें अब हम मेन जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कस्टम और यूजेस के। कस्टम और यूजेस में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जहां से आपको यूजेस खत्म होता है, मान लीजिए इस पॉइंट से आपका यूजेस खत्म हो गया तो वहां से आपका कस्टम शुरू होता है। जैसे कि कोई एक्टिविटी, कोई प्रैक्टिस जो है वो काफी टाइम से चलती आ रही है जिससे आप फॉलो कर रहे हैं, और उसमें उस प्रैक्टिस में क्या है, जैसे हम यूजेस हैं, तो इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए वो जो प्रैक्टिस है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, उसमें सर्टेनिटी है, उसमें कॉन्टिन्यूटी है, और प्लस में उसमें कोई वो ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो सोसाइटी के अपोज हो या फॉरबिडन या लॉ के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे वो क्या बनता है, कस्टम बनता है। कस्टम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है यहाँ पे आपका। किस चीज का कस्टम बहुत अच्छा सोर्स है आपका, हिंदू और मैरिज एक्ट का, यानी हिंदू लॉ का। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ जो सोर्सेज हैं वो हमारे कौन से हैं, मॉडर्न सोर्सेस, जैसे कि प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कई बार जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हिंदू मैरिज एक्ट का नहीं है, ट्रिपल तलाक का है। तो ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं इसमें जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं। इसमें अभी आपने देखा होगा विनीत शर्मा का जो केस था जिसमें डॉटर को एंसेस्ट्रल और यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिया गया था। तो इस तरह की डिसीजंस के साथ भी जो है ये एक्ट, इसमें क्या होते हैं, कुछ ये बनता है। अब इसमें लेजिस्लेटिव एक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, सिंपली जैसे एक्ट आया और वो एक्ट एप्लीकेबल होना शुरू हो गया। इक्विटी और जस्टिस एंड गुड कंसाइन, अगर उसमें कुछ ऐसा है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइन जैसा, तो यहाँ पे ये सभी जो होते हैं आपके मॉडर्न सोर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसमें इसके 2 स्कूल्स हैं हमारे, इसमें जो है हिंदू लॉ में 2 स्कूल्स हैं, एक तो मिताक्षरा है और दूसरा आपका दयाभागा है। इसमें ज्यादा जो स्कूल प्रैक्टिस में है वो मिताक्षरा स्कूल है, मिताक्षरा स्कूल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है। और ये मिताक्षरा जो स्कूल है ये वेस्ट, ये बंगाल और आपका असम, इधर का एरिया छोड़ के बाकी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और मिताक्षरा स्कूल जो है इसके जो ओरिजिन हुआ है, जिस कमेंट्री से हुआ है, वो यज्ञवल्क्य स्मृति इससे हुआ है और इससे लिखा है यहाँ पे विजनेश्वर ने, और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट बंगाल और असम है। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ सब स्कूल्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करनी है, बहुत ही ज्यादा आपको जनरली करना है। तो इसके जो सब स्कूल्स हैं उसमें बनारस स्कूल है, बनारस स्कूल के ये एरियाज आपको दिखाए गए हैं, बिहार, बनारस, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद मिथिला स्कूल है, और मिथिला स्कूल आपका नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट बिहार यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि द्रविड़ स्कूल है
और महाराष्ट्र स्कूल है। ये सभी स्कूल आपको बस जनरली पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में इनको आपको नहीं जानना है। इसके बाद हम देखेंगे कि दया भागव स्कूल, जो दया भागव स्कूल है वो असम और आपका कहाँ एप्लीकेबल होता है, इस स्लाइड में क्लियरली लिखा है बंगाल और असम, यानी कि जहां पर ये मिताक्षरी स्कूल नहीं होता अप्लाई, वहां पे क्या होगा, ये दया भागा स्कूल अप्लाई होगा। अब एक चीज और समझने की बात है, अगर कहीं पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है मिताक्षरा और दया भागा में, तो प्रिवेल यहाँ पे मिताक्षरा करेगा, मिताक्षरा स्कूल जो है अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए अगर दया भागा स्कूल यहाँ पे एक्टिव नहीं है या वो प्रैक्टिस में नहीं है या कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपने आप ही मिताक्षरा जो स्कूल है वो अपने आप प्रिवेल करेगा और यहाँ पर अप्लाई होने लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जया भागा जो स्कूल है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जिमित वाहन से, जिमित वाहन से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हिंदू टर्म है, अब हिंदू टर्म जो है इस पे क्वेश्चन आते हैं कि किस किस को वो हिंदू टर्म जो है वर्ड इंक्लूड करता है, तो हिंदू जो वर्ड है यहाँ पे वो सबसे पहले किन किन, यहाँ पे चार है, हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, यहाँ पे इनको जो है वो क्या करता है, वो हिंदू मानता है, सारे पर्सन जैन सिख बुद्धिस्ट वगैरह ये सभी बाय रिलीजन जो है वो क्या होते हैं, हिंदू माने जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पे वीर शैव लिंगायत तांत्रिक वगैरह जो आर्य समाज के लोग हैं इनको भी हिंदू कंसीडर किया जाता है, जैव वगैरह ये सारे। इसके बाद हिंदू बाय बर्थ, यहाँ पे बाय बर्थ कोई पर्सन हिंदू कैसे हो सकता है, अगर कोई पर्सन जो है जिसके फादर, जिसके फादर और मदर, फादर और मदर जो है वो बाय बर्थ जब उस बच्चे का जन्म हुआ था उस वक्त दोनों हिंदू थे, ठीक है, अगर मदर और फादर दोनों ही हिंदू हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो चाइल्ड होता है वो हिंदू होता है। बट यहाँ पे मान लीजिए अगर फादर हिंदू है या मदर हिंदू है और उसके बाद एक पेरेंट्स हिंदू है, दूसरा पेरेंट्स जो है वो किसी हिंदू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो होगा, चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा, वो उसका जो रिलीजन है किस तरह से डिटरमाइन होगा, उसको किस तरह से पाला जा रहा है, उसको किस तरह से बड़ा हुआ है, वो कौन से रिलीजन को मान के बड़ा हुआ है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसे केस में सेकंड में क्या है, हिंदू बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी कि एक पर्सन जो था वो हिंदू नहीं था या वो मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, कुछ भी था, हिंदू नहीं था, तो उसने अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करा और हिंदू में आ गया, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी हिंदू कंसीडर किया जाएगा। अब उसके बाद अब कुछ चीजें और हैं, कोई पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ठीक है, हु इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ, जो इन रिलीजन का नहीं है वो भी किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अ हिंदू डज नॉट सीज टू बी हिंदू इफ ही बिकम एन एथिस्ट, लैप्स फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। मान लो कि कोई, जैसे आजकल अधिकतर आप देखते हो सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी सारे रिलीजन्स के जो लोग होते हैं वो मोस्टली जो है आप देखोगे कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं अपना रहे बट उनका रहन सहन, उनका रहन सहन है तो उनका ड्रेसेस जो है कपड़ों के तौर पे, बाकी और भी धीरे धीरे कल्चर हम क्या कर रहे हैं उसको अपनाते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये नहीं है कि वो पर्सन हिंदू नहीं कहलाएगा, वो पर्सन हिंदू कहलाएगा, बट यहाँ पे वो जो है वो उसकी सिर्फ प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब मैरिज अंडर हिंदू लॉ, हम ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे मैरिज, उसके बाद हम बाकी की क्लास में जो है काफी और भी चीजों को करेंगे जिसमें हम फटाफट नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे उसको कवर कर लें पूरा हिंदू लॉ। तो सबसे पहले मैरिज को किस तरह से कंसिडर किया जाता है हिंदू लॉ में, एक सैक्रमेंट कंसिडर किया जाता है और एक होली यूनियन है। जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि जो मैरिज है, मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट यहाँ पे एक सैक्रमेंट है, एक होली यूनियन है, एक प्रैक्टिस है। अब इसके साथ यहाँ पे जो होता है इसके तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तीन चीज़ें इसमें हम कंसिडर करते हैं कि एक परमानेंट यूनियन है, कि एक बार टाई हो गया तो यहाँ पे वो कभी भी अनटाई नहीं हो सकता,
ये ऐसा माना जाता है जैसे 7 जन्म होते हैं उस तरह से माना जाता है, और ये अनटाइम नहीं हो सकता। यानी कि जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें तो हिंदू लॉ में अब बाद में वो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, लेकिन अगर हम इस सैक्रामेंट के तौर पे देखें तो इसमें ये अनटाइम नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या है नहीं अलग हो सकते, और ये एक क्या है एटर्नल यूनियन है। यानी कि इस जन्म तक नहीं रहेगा, अब जितने भी जन्म होंगे उतने जन्म तक आपको क्या करना है, दोनों वो क्या रहेंगे, हस्बैंड वाइफ रहेंगे, दोनों के बीच में सैक्रमेंट हो गया। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अब आपका सिर्फ इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी साथ हो गया। एक होली यूनियन है। होली यूनियन कैसे कि एक इसमें रिलीजियस सेरेमनीज जो है वो परफॉर्म की जाएगी। रिलीजियस सेरेमनी यानी कि इसेंशियल सेरेमनीज। इसेंशियल सेरेमनीज यहाँ पे किसकी, हिंदू में भी जैसे अभी हमने देखा कि कुछ अलग अलग उसमें वेरिएशंस हैं, तो जो मान लीजिए मेल है और जो फीमेल है जिनकी शादी हो रही है, तो जो शादी की सेरेमनीज होंगी वो कैसे डिसाइड होंगी, इन दोनों में से किसी भी एक पर्सन की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनको परफॉर्म करके वो शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई और रिलीजन का है, ये कोई और रिलीजन का है, लेकिन शादी किसी और रिलीजन से करें ऐसे नहीं होगा। इन दोनों में से किसी एक के कस्टम के साथ वो शादी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, सोलेमनाइज्ड मैरिज जो है किस तरह सोलेमनाइज होनी चाहिए। राइट्स एंड सेरेमनीज, कौन सी राइट्स एंड सेरेमनीज जो उन दोनों में से किसी एक पर्सन की होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग्स विद कस्टमरी सेरेमनीज प्रेवेलेंट इन द कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी में चल रही हो, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम जिससे बिलोंग करते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई। अंडर हिंदू लॉ परफॉर्मेंस ऑफ सप्तपदी, सप्तपदी की जो परफॉर्मेंस है, सप्तपदी यानी कि जो इसमें सप्तपदी लिखे हैं 7 कदम नॉट अ 7 फेरस, बट यहाँ पे जो 7 स्टेप्स हैं वो जो अग्नि के सामने, जिसको बोलते हैं ना अग्नि जो सबसे प्योर है, उसके सामने 7 स्टेप्स आपको चलने हैं। और ये अब इसमें आपको देखना है, इसमें कोई गार्लैंड एक्सचेंज जैसा नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें सप्तपदी मेंशन है और 7 फेरास भी नहीं है। तो 7 कदम और हिंदू राइट्स और सेरेमनीज, हिंदू जो राइट्स और सेरेमनीज हैं अकॉर्डिंग्स विथ देयर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके साथ ही आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ ही आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।